चलो बच्चा लोग, फाइनली वो पेपर आज हो चुका है बच्चों का, जिस पेपरों का बच्चों को इतने दिनों से इंतज़ार था और डर था। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेट वन जो आपका हुआ है इस कोर्स से, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करूँगा कि ये भगवान सभी बच्चों को पास कर देना, सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहला वाला क्वेश्चन था इसमें राम और मोहन वाला। इसमें आपने देखा था कि हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं था जितना हमारे को होना चाहिए था, क्योंकि 30,000 यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 20,000 यहाँ। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो उनका कैपिटल का रेशियो होता है उसी रेशियो में 30,000 को बांट देंगे। यानी कि इसका आंसर था सी, 18,000 और 12,000। ठीक है, जिन बच्चों ने ये वाला ऑप्शन प्रेफर किया होगा और वाला, उसमें आंसर आ रहा है 5,000। गारंटी मिली थी सिया को, सिया को गारंटी मिली है 50,000 कम नहीं होना चाहिए। 2,00,000 का 1/5 किया तो 40,000 आया, मिलना चाहिए 50,000, कमी है 10,000 की। क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि गारंटी किसने दी, तो दोनों पार्टनर बराबर झेलेंगे 2:2 यानी कि 1:1 में, तो 5,000 आएगा इसका आंसर। उसके बाद ये वाला अगर आपने सॉल्व किया होगा सेकंड वाला, तो इसका आंसर आएगा आपका 50,000। थर्ड ए वाला अगर आपने किया होगा, थर्ड ए यहाँ पर आपको 500 शेयर्स थे और शेयर फॉरफिचर में वो अमाउंट आता है जो पेड कर दिया, 3 पेड नहीं करा यानी कि 7 पेड कर दिया, यानी कि 3,500 यहाँ आया। लेकिन क्वेश्चन में रीशूट कर रहे थे 300 शेयर, तो पहले हम इस अमाउंट को 300 शेयर के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, 3,500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर रीशूट। ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2100 यहाँ आ गया। डिस्काउंट यहाँ 2 का था, 300 × 2 600, तो 2100 में से 600 माइनस करोगे तो 1500 आएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सुचि और रुचि पार्टनर हैं। अब इसमें कह रहा है कि मिडिल ऑफ ईच मंथ पैसा निकाल रहा है, मिडिल में हमारा लगता है एवरेज पीरियड 6 मंथ, यानी इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है फिफ्थ वाला कि जो फर्नीचर था वो 7,00,000 से 8,00,000 हो गया, यानी 1,00,000 बढ़ गया। क्रेडिट साइड में हमने 1,00,000 रुपये डाल दिया और स्टॉक कम हो गया 4,00,000, 4,20,000 से 4,00,000, यानी कि 20,000 ये कम हो गया। अब आपसे पूछा गया है क्या होगा, अब ये हमारा 80,000 का क्या आ जाएगा गेन, यानी कि प्रॉफिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे कह रहा है कि जो टोटल एसेट्स है फर्म की वो थी जो डिसॉल्व हुई है 30,00,000 की और लाइबिलिटी 6,00,000 की, एसेट रिलाइज हुई है 80%, यानी कि एसेट साइड में 30,00,000 का 80% निकालोगे तो 24,00,000 आ जाएगा, और लाइबिलिटी रिलाइज हुई है 5% कम, 6,00,000 का 5% निकालोगे तो 5,70,000 ये आ जाएगा, और 30,000 के डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि 24,00,000 में से 6,00,000 गया तो बचा कुचा आप कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में, तो ये आपका आ जाएगा 18,00,000 का प्रॉफिट, यानी कि ए। सेवन ने पूछा है कि कौन से हम सिक्योरिटीज़ को जो इन्विटेशन देते हैं लोगों को बुलाते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। एट में आपसे पूछा था कि एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर ऑलरेडी हैं, अब और कितने पार्टनर होने चाहिए। देखो मैक्सिमम पार्टनर होते हैं 50, 4 ऑलरेडी हैं तो अब कितने होंगे हमारे, 46। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि गोपाल, कृष्णा और गोविंद पार्टनर हैं, रेशियो आपको दे रखा है, कृष्णा रिटायर हो रहा है, गोपाल एंड गोविंद परचेस किया है, प्रॉफिट 1,20,000, ओके 80,000 पेड किए हैं गोपाल ने और 40,000 किए हैं गोविंद ने, यानी कि 80,000 40,000 यहाँ क्या साफ साफ दिख रहा है आपको, 2:1 का रेशियो दिख रहा है यहाँ पर। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर इसका हमारा था होल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर सी था। फिर आपसे दे रखा है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में 4,00,000 का लॉस दे रखा है। आपसे पूछा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट दिख रहा है, 20,000 × 100 करेंगे तो 20,00,000 हो जाएगा, 20,00,000 का 10% हो गया 2,00,000, टोटल लॉस है 4,00,000, लॉस हो गया डिस्काउंट में 2,00,000, तो बचा हुआ लॉस किसमें, प्रीमियम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा बी, 2,00,000। फिर उसके बाद और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपको 13A में आपसे कह रहा था कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में जो ओल्ड पार्टनर है वो सारी चीज़ किस में लेते हैं, वो सारी चीज़ हमारी लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सबसे पहले आपसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था प्रॉफिट 7,06,750 का, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोन का अमाउंट माइनस नहीं किया, तो लोन था 75,000 का और लोन की रेट है 9%, तो 75,000 का जब 9% निकालोगे तो आपका आएगा 6,750। अब इसमें से 6,750 माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा हमारा क्या, हमारा बचेगा 7,00,000, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7,00,000। इसमें आप ड्राइंग निकालोगे तो इसमें आपका ड्राइंग आएगा ये, इसका आंसर था 15 का बी वाला। 16 वाले में दोनों स्टेटमेंट हमें सही दे रखे हैं, असर्शन भी और उसका रीज़न भी।
उसके बाद अगर आपने ये वाला किया होगा मोस्टली बच्चों ने, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि परचेज एसेट्स थी 1,98,000 की, फिर आपसे कह रहा है कि अगर डिस्काउंट पे करेंगे तो हमें कैसे करना था, 90 से हमें डिवाइड करना था और 90 से जो डिवाइड करके जो आंसर आता उसकी एंट्री पास करनी थी। प्रीमियम वाले केस में हमें डिवाइड करना था 1,98,000 को 110 से, फिर हमें उसकी एंट्री पास करनी थी। देन आपसे कह रहा है मोहन सोहन सुरेश पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है ये, सुरेश को गारंटी मिली है 70,000 की, कोई भी कमी आएगी तो वो वॉज बॉर्न बाय मोहन सोहन इस रेशियो में, प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 2,00,000 का। अरे आपको तो डायरेक्ट मजे आ गए, वो भी 3 नंबर का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2,00,000 का प्रॉफिट है गारंटी मिली है किसे, सुरेश को, सुरेश का प्रॉफिट था 1/5, तो ये आ गया आपका 40,000 और गारंटी मिली है 70,000 की, तो 30,000 ये बचा। 30,000 को आप 3:2 में लॉस झेलेंगे यानी कि 5 करेंगे, तो 18,000 देगा हमारा मोहन और 12,000 देगा सोहन। ठीक है, आपको इसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के शो करना है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है, उसके बाद आपको ये बेसिक क्वेश्चन था मीता गीता रोहित वाला, इसमें आपको बस चीज़ों को बांटना है, फर्म की गुडविल को निकालना है, चेंज इन पीएसआर वाला क्वेश्चन है, तो वही सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे तीनों पार्टनर का। ठीक है, पुराना जो रेशियो था वो इस रेशियो में था, आगे का जो रेशियो था वो ये था, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, देखेंगे जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है किसको गेन हो रहा है। देन उसके बाद आप लोगों ने ये बैलेंस शीट इजीली बना दिया होगा, ये जो शेड्यूल वाला कह रहा है ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको वीनास कैपिटल अकाउंट बनाना था। तो बेसिकली जो आपको दे, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट बनाते थे वैसे ही वहाँ पर एक सिंगल अकाउंट बनाना था। देखिए ये देखिए आपको एंट्री वाले क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि भाई ये रिलेशन वाली एंट्री है, जैसे पहला कह रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी 18,000 की, वॉज टेकन ओवर बाय टीना 16,000 की, तो 16,000 की टीना ने ले ली, टीना एक पार्टनर है, तो टीनास कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिलेशन। रीना एग्रीड हुई टू पे हर ब्रदर्स लोन 23,000, स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय कैटर ऑफ 40,000, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में कोई भी एंट्री नहीं करी जाएगी। एक्सपेंसिस ऑफ डिसोल्यूशन 40,000 वर पेड बाय रीना, अब रीना ने पेड करे हैं, तो रिलेशन अकाउंट डी आर टू रीनास कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर्स वर पेड 18,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 20,000, तो इन्हें पेड किया है रिलेशन अकाउंट टू बैंक और इस अमाउंट से। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बताया था 6 केस, ये आएंगे ही आएंगे, और देखिए आपके आए हैं वैसे के वैसे ही। पहले वाले में प्रीमियम था 10% और यहाँ प्रीमियम था 5%, तो इसमें आपको बेसिक करना है। देन उसके वाले में आपका यहाँ 6% था, 3% था, फिर डिफरेंस लेना है, और ये पार वाला क्वेश्चन था, करते रहो। हाँ जी, उसके बाद ये शेयर का क्वेश्चन था 6 नंबर वाला, यही आपने ऑप्ट किया होगा। अब यहाँ पे देखिए 10,000 शेयर्स थे और 15,000 शेयर लोगों ने मांगे हैं, जो बच्चे कल रात की क्लास में थे आपने देखा होगा यही लमसम क्वेश्चन था, बस अमाउंट यहाँ पर 21,000 था और यहाँ 30,000 था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सारी एंट्री किससे करेंगे, 15,000 से एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 15,000 इंटू ये हमारे 2 से 30,000। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 3,000 जो शेयर्स थे वो रिजेक्ट कर दिए और उनका पैसा रिफंड कर दिया, शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर, यानी कि 3,000 शेयर आपने वापस कर दिए, तो सेकंड एंट्री आपने क्या करी होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 3,000 इंटू 2, 6,000 बैंक में आएगा, 12,000 जिनने शेयर्स मांगे उन्हें दिए 10,000, यानी कि 2,000 ये शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दिए, तो 2,000 इंटू 2 4,000 आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। फिर आपसे ऐसा कह रहा है कि एक्सेस मनी रिसीवेबल एप्लीकेशन जो एडजस्ट करी जा रही है अलॉटमेंट पर, सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, बस एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया 200 शेयर का। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि उसने 200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया लेकिन उसने शेयर्स मिले कितने थे, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको निकालना है ज़्यादा शेयर, यानी कि 12,000 अपॉन 10,000 इंटू 200, तो इसको आप सॉल्व करोगे 0000000, अब यहाँ पे आपको आ जाएगा 240, यानी कि 240 शेयर उसने मांगे थे, मिले 200, यानी कि 40 शेयर से एक्स्ट्रा पैसा दे दिया उसने एप्लीकेशन पे 80 रुपये, और 200 इंटू 3 यानी कि 600 रुपये नहीं दिए, तो 600 और 80 माइनस कर दोगे 520, 520 रुपये नहीं आए अलॉटमेंट पर, प्लस ये आए 4,000 नहीं आए, यानी कि 4,520 रुपये नहीं आए आपके अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट आएगा 10,000 इंटू 3 30,000, इसमें से अमाउंट को माइनस कर देना है। देन उसके बाद आपसे कह रहा है, बेसिक है, आपको सीधे फॉरफीचर करना है, और कह रहा है फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर एंड ड्यूली रिसीव्ड, द सेकंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। सेकंड एंड फाइनल कॉल आपको बनानी ही नहीं है, यानी कि जो शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री करोगे उसमें पूरा अमाउंट नहीं लेना है, सेकंड फाइनल कॉल का नहीं लेना है।
फिर आपका क्वेश्चन था 26A, 26A में सबसे पहले आपको देखिए यही केस था कल 15,000 रुपये का था, स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, यानी कि कोई चीज 23,000 से कम दे रखी है तो उसे बढ़ाएंगे, रिवैल्यूएशन में हमारा सीआर साइड में आ जाएगा 23,000 रुपये, 20% जो इन्वेस्टमेंट है वो टेकन ओवर बाय गिरधारी एट बुक वैल्यू, अब गिरधारी ने 20% से इन्वेस्टमेंट ले लिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी रखी थी 1,10,000, उसको 20% कम करके क्लेम आया है आपके पास 70,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन दे रखे 60,000, यानी 10,000 का ज्यादा, 10,000 का नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन में हमने डेबिट साइड में डाल दिया होगा। देन उसके बाद क्रेडिटर्स में 27,000 थे जो हमें पेड करने ही नहीं है, फायदा हो गया, ये हमारा जाएगा बाई में सीआर साइड में, बैलेंस शीट आपसे कहा था नहीं आएगी और बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए आई ही नहीं है। उसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमें क्या क्या देखना है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल डालनी थी, ये रिजर्व बढ़ चुका है, ये वाला बांटा जाता नहीं है, एसेट साइड में कुछ बांटने के लिए चीज़ें है नहीं है, रिवैल्यूएशन आपने बनाया होगा, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है तो लॉस, फिर नया पार्टनर आपको 1,86,000 ला रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई साइड में, और 40,000 ला रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो ये पुराना रेशियो है उनका 3:1, यही सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा, पुराने पार्टनर में 40,000 रुपये को बांट देंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ये वाला क्वेश्चन चॉइस किया होगा, लेकिन फिर भी बताना अगर चॉइस किया है तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर आपको दे रखा था, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें आपको बताया गया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पर आपको ये जो 12,00,000 दे रखा है ये आपको सेल्स दे रखा है और लॉस हुआ है, ठीक है, तो ये आपको किसी चीज का आपको 20% कम दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर निकालना था। फिर आपसे पूछ रहा है 3,000 रिसीव हुए हैं कैश ऑन लोन एंड एडवांसेस, लोन एडवांसेस हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से अमाउंट का जो है वो नॉट रिजल्ट इन कैश, तो इसमें आपका सी डी दोनों ही हमारे बेस्ट ऑप्शंस थे। फिर आपसे पूछा गया है कि ये हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है ये हमारे रिजर्व सरप्लस के अंडर जाता है, बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। देन ये बेसिक क्वेश्चन बनाना था, फिर अगेन वो हो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना है आईटीआर से लगाकर, यानी कि आपको सेल्स निकालनी है और ये आपको 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। अब 25% ऑन कॉस्ट का मतलब है ये जो सेल्स दे रखी है वो किसी चीज़ का 125% है, तो हम 100/125 करके वैल्यू को सॉल्व करेंगे। फिर चलते हैं हमारे वो हो प्यारा सा क्वेश्चन है कैश फ्लो का, सभी ने किया होगा उम्मीद है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमें जाना था रिजर्व एंड सरप्लस में, ये 400,000 से 300,000 हो गया तो 100,000 का लॉस यहाँ आ गया नेट प्रॉफिट के लिए। देन उसके बाद हम गए, हमें कुछ दे रखा है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह नहीं दे रखा, कोई भी आपको डिविडेंड नहीं दे रखा, कोई भी प्रपोज डिविडेंड नहीं दे रखा, कोई भी रिजर्व नहीं दे रखा, तो सीधा आपका ये 100,000 तो ये हो गया। देन उसके बाद आगे बढ़े तो आपको डेप्रिसिएशन दे रखा था 100,000 का, तो ये डेप्रिसिएशन सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, तो 100,000 वो ये लॉस और 100,000 का ये, तो ये कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा है इंटेंजिबल एसेट दे रखी थी 200,000 से 500,000 होंगे तो अभी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखना था, तो करेंट एसेट्स 500,000 से 400,000 कोई कम हो गई तो 100,000 ही ऐड होगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल कम हो गई तो ये जो 500,000 से 400,000 हो गई ये तो ऐड होगा और ये बढ़ गई 25,000, ये लेस होगा। उसके बाद करेंट लायबिलिटी में 25,000 से ये भी ऐड होगा, तो 125,000 और ये 25,000 यानी कि निकल के आया 100,000, तो 100,000 तो आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब आपसे दूसरी एक्टिविटी में आपकी आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें आपको टेंजिबल एसेट देखना था, 900,000 से 800,000 हो गया, कम हो गया यानी कि सेल कर दिया, ऐड हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट भी आपने 300,000 का परचेस कर लिया है ना। उसके बाद आपको करना था हमारा फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में हमको शेयर्स का देखना था, ये 300,000 से बढ़ गए, ऐड हो जाएगा। उसके बाद बोरोइंग्स 100,000 से बढ़ गई, ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कैश फ्लो का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो प्लीज़ वीडियो में बताइएगा बेटा कि आपका पेपर कैसा हुआ, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।